Hey guys, welcome to the new video of InCard video tutorials. So इस वीडियो में हम अपना प्रोजेक्ट नंबर 29 करेंगे जिसका नाम है सिंपल अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस डिस्प्ले. तो इस प्रोजेक्ट में हम क्या करने वाले हैं कि डिस्टेंस मेजर करेंगे जो कि अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस सेंसर का काम है. हम लोग प्रोजेक्ट नंबर 28 में सीखे थे और उस डिस्टेंस को अब पिछले प्रोजेक्ट में हमने क्या किया था कि उसको सीरियल मोनिटर पर प्रिंट किया था, लेकिन इस प्रोजेक्ट में हम क्या करेंगे कि इसको LCD पर प्रिंट करेंगे. और LCD पे दोनों हम सेंटीमीटर और मीटर दोनों में इसको प्रिंट करेंगे. तो देख लेते हैं क्या, पहले तो देखिए कि क्या रिक्वायर्ड है पार्ट्स. तो सबसे पहले तो हमें एक अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस सेंसर चाहिए ही चाहिए क्योंकि डिस्टेंस मेजर करना है. दूसरा हमें एक LCD भी चाहिए क्योंकि हम LCD पे ये करने वाले हैं, आउटपुट दिखाने वाले हैं. और तीसरा यहाँ पे 9 वोल्ट बैटरी दिया है. ये क्यों दिया है? ये इसलिए दिया है क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेते हैं, अभी तक हम जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाते आए हैं, अभी तक हम 28 प्रोजेक्ट्स बना लिया, उस प्रोजेक्ट का जो भी आउटपुट होता था उसका पावर सोर्स क्या होता था, जो आर्डिनो का पावर सोर्स हम क्या देते थे, आर्डिनो का पावर सोर्स हम देते थे PC से. लेकिन जब आप मान लीजिए आप प्रोजेक्ट को क्रिएट कर ले रहे हैं और आपको कहीं पे उसको प्रेजेंट करना है, तो आप हर जगह PC तो लेके घूमिएगा नहीं. तो उसके लिए क्या होता है कि आर्डिनो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक और पोर्ट होता है, ये जो सिलेंड्रिकल पोर्ट है ये होता है एक्सटर्नल पावर सोर्स डालने के लिए. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो 9 वोल्ट बैटरी है इससे हम एक्सटर्नल पावर सोर्स जो है क्रिएट करके उसको कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे आर्डिनो एक्सटर्नली पावर्ड हो जाएगा. और उसमें जो कोड एक बार आप अपलोड कर दिए हमेशा वो एग्जीक्यूट होगा. तो ये एक प्रॉपर प्रोजेक्ट बन के आप कहीं पे उसको डिस्प्ले कर सकते हैं. और आपको ये कनेक्शन करने के लिए आपको कुछ ये डिफरेंट करने की जरूरत नहीं है या फिर बाहर जाके कुछ खरीदने का भी जरूरत नहीं है. 9 वोल्ट बैटरी भी आपको इनकार्ड के मॉड्यूल में दिया गया है. और ये जो आप देख रहे हैं ये बैटरी को कनेक्ट करने के लिए होता है. इसको यहाँ पे ये जो आप कैप देख रहे हैं इसको बैटरी में यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है. और ये जो दो वायर्स हैं इसको कनेक्ट करने के लिए आपको एक सॉकेट दिया जाता है. उस सॉकेट को में कनेक्ट करके वायर को आप इसमें इस सिलेंड्रिकल पोर्ट में इसको इंसर्ट कर दीजिए, जिससे आपको एक्सटर्नली ये आर्डिनो पावर्ड हो जाएगा. तो ये था बेसिक थोड़ा सा नॉलेज कि आप कैसे प्रोजेक्ट को डिस्प्ले करेंगे दूसरे जगह जाके. आपको PC ले जाने का कहीं ज़रूरत नहीं है, एक्सटर्नली आप आर्डिनो को पावर कर सकते हैं. तो चलिए आप इस प्रोजेक्ट को देखते हैं, सबसे पहले कोड को समझते हैं. हाँ तो दोस्तों चलिए सबसे पहले सर्किट का कनेक्शन देख लेते हैं. तो जो सर्किट का कनेक्शन है उसको 3 पार्ट्स में देखते हैं, एक्चुअली 2 पार्ट में देखते हैं. तो पहला तो ये हो गया LCD वाला पार्ट और दूसरा हो गया ये आपका अल्ट्रासोनिक सेंसर का पार्ट. तो ये जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है इसका जो कनेक्शन है 5 वोल्ट को आपको 5 वोल्ट से कनेक्ट करना है. ये जो VCC एक्चुअली ये आपका जो आपको जो ये दिया गया है अल्ट्रासोनिक सेंसर, इसमें VCC होगा. और ग्राउंड को ग्राउंड से कनेक्ट करना है. ये जो ग्राउंड है इसको ग्राउंड से कनेक्ट करा है. ये ग्राउंड से कैसे कनेक्ट हो रहा है आप देखिए, यहाँ से यहाँ जाके ये बैटरी के निगेटिव पार्ट से कनेक्ट हो रहा है, इसलिए ये ग्राउंड से कनेक्ट हो रहा है. निगेटिव वेक्टर से ग्राउंड ही होता है. फिर इको को जो है हम लोग एनालॉग के A5 में कनेक्ट करेंगे और ट्रिगर को हम कनेक्ट करेंगे एनालॉग के A4 में. अब मैं यहाँ पे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ कि जो हमारा एनालॉग पिन्स है आर्डिनो का, उसको हम एज ए डिजिटल पिन भी यूज कर सकते हैं. वो कैसे हम कोड में समझेंगे. तो इसमें जो है आपका जो कनेक्शंस है ये LCD का, ये प्रोजेक्ट नंबर 20 में जो दिया है बिल्कुल सेम है, बस 6 डिफरेंसेस हैं. आपको फिर से बता देता हूँ, मात्र 6 डिफरेंसेस है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ. आप नोट कर लीजिए और उसी को बस करिएगा. तो पहला डिफरेंस ये है कि जो RS है वो आप पिन नंबर 2 से कनेक्ट करेंगे. ये जो पिन है आपका यहाँ पर दिख नहीं रहा है, ये पिन नंबर 2 है. और उसके बाद जो E है मेरा इनेबल को आप कनेक्ट करेंगे पिन नंबर 3 से. डिजिटल पिन नंबर 3 से यहाँ कनेक्ट करना है, पिन नंबर 3 से, ध्यान दीजिएगा बात को. और जो 4567 है, D4567 मतलब डेटा पिन 4567, इसको आप डिजिटल पिन आर्डिनो के डिजिटल पिन 4567 से ही यहाँ पे कनेक्ट करेंगे. ये जो पार्ट है ये यहाँ पे आप डिजिटल पिन 4567 से ही कनेक्ट करेंगे डेटा पिन 4567 को. तो एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा, जो डिफरेंसेस हैं 6 डिफरेंसेस है हमारा. कितने डिफरेंसेस है? 6. पहला डिफरेंस है RS को, रजिस्टर सेलेक्ट को हमको करना है टू पिन नंबर 2 से कनेक्ट करना है, डिजिटल पिन नंबर 2 से आर्डिनो का. फिर जो इनेबल है हमारा उसको डिजिटल पिन नंबर 3 से करना है आर्डिनो का. और डेटा पिन्स 4 से लेकर 7 तक, उसे हमें डिजिटल पिन नंबर 4 से लेकर 7 तक कनेक्ट करना है आर्डिनो से.
तो इस बात को आप ध्यान रखिए, और बाकी कनेक्शन सेम ही रहेगा। यहाँ पे आपको ये 1 किलो ओम का रेसिस्टर दिख रहा है, इसके जगह पे पोटेंशियोमीटर, जैसे मैंने आपको सिखाया था प्रोजेक्ट नंबर 20 पे, उसको पोटेंशियोमीटर यूज़ करना है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं इस सर्किट में। बाकी जितना मैंने बताया आपको, बस आप उतना ही करिए। LCD का कनेक्शन प्रोजेक्ट नंबर 20 के एज इट इज़ रहेगा, बस जो 6 डिफरेंस बताया मैंने वो कर दीजिए। अल्ट्रासोनिक सेंसर को जैसे मैंने कनेक्ट करने को बताया वो कनेक्ट कर दीजिए, बैटरी कनेक्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, पावर सप्लाई हम आर्डिनो से ही देंगे, सॉरी आर्डिनो से नहीं PC से देंगे। तो चलिए आप सबसे पहले प्रोजेक्ट के कोड को अपलोड करते हैं, फिर प्रोजेक्ट के कोड को समझेंगे, ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैंने कोड को टाइप कर लिया, आई होप कि आपने भी टाइप कर लिया होगा। और ये जो कोड है बहुत ही सिंपल कोड है, जब हम समझेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही सिंपल कोड ही था। और चलिए तो कोड को पहले वेरीफाई करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा कोड वेरीफाई हो चुका है, किसी तरह का कोई एरर नहीं है। तो फिर पोर्ट को USB पोर्ट को आप इंसर्ट कर दीजिए USB को, और वो करने के बाद यहाँ टूल्स में जाके, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा COM4 COM3 दो यहाँ पे जो पोर्ट्स हैं आ रहा है, तो मेरा ये COM3 से कनेक्टेड है, तो मैंने COM3 को सिलेक्ट कर लिया। तो ये आप सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो एरर आ जाएगा, मेरा भी एरर आ जाता है। और उसके बाद बोर्ड को सिलेक्ट कर लीजिए आर्डिनो यूनो, और उसके बाद क्या, उसके बाद आप कोड को अपलोड कर दीजिए। कोड को अपलोड करने के बाद हाँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पहला लाइन है आउटपुट का, वो डिस्टेंस हमारा सेंटीमीटर में दिखा रहा है, और ये दूसरा लाइन हमारा डिस्टेंस मीटर में दिखा रहा है। तो चलिए सबसे पहले इसमें ऑब्स्टेकल डालते हैं, देखते हैं ये डिस्टेंस सही दिखा रहा है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे ऑब्स्टेकल डाला है, और ये देख सकते हैं ये 5 सेंटीमीटर तक दिखा रहा है, और जैसे जैसे मैं कम कर रहा हूँ ये डिस्टेंस कम होता जा रहा है। तो मतलब ये, यानी ये 4 सेंटीमीटर का ही डिस्टेंस है। तो इसके बाद इसको इंक्रीज़ करके देख लेते हैं कि ये सही बता रहा है कि नहीं बता रहा। और जैसे जैसे हम इंक्रीज़ कर रहे हैं डिस्टेंस इंक्रीज़ होता जा रहा है, ये सही, बिल्कुल सही बता रहा है, 11 सेंटीमीटर बिल्कुल सही बता रहा है। और जैसे जैसे और इंक्रीज़ करेंगे ये धीरे धीरे इंक्रीज़ होता चला जाएगा। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे ये डिस्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है, और मैं रुक गया हूँ तब भी इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि मैं इंक्रीज़ करता जा रहा था उतना, जितना जल्दी हम मैं डिस्टेंस इंक्रीज़ कर रहा हूँ उतना जल्दी आपको आउटपुट पे वो असर नहीं दिखेगा। आपको डिस्टेंस इंक्रीज़ करने के बाद या फिर डिक्रीज़ करने के बाद थोड़ा देर 1 सेकेंड का होल्ड करिए, ताकि वो आउटपुट जो है हमारा जो डिस्प्ले है उस पर हो सके। नहीं तो आपको लगेगा कि आउटपुट गलत आ रहा है, मैं डिस्टेंस बार बार चेंज कर रहा हूँ, लेकिन डिस्टेंस तुरंत तुरंत नहीं, तुरंत तुरंत अगर आप चेंज करें, एक बार चेंज करिए तो उसको 1 सेकंड का एटलीस्ट टाइम दीजिए, ताकि वो सारा कैलकुलेशंस होके और प्रिंट हो सके इसमें LCD में। तो ये हमारा आउटपुट, जैसे ये यहाँ पे लाके मैंने थोड़ा देर इसमें रुकना है, यहाँ पे रुक दिया मैंने, तो देख सकते हैं आप ये 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आ रहा है, जो कि सही है। फिर यहाँ ला के मैंने रोक दिया, आप देख सकते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दिखा रहा है, जो कि सही है। तो हमारा आउटपुट सही आ रहा है, डिस्टेंस मेजर हो रहा है, पहला लाइन हमारा सेंटीमीटर में आ रहा है, दूसरा लाइन हम मीटर में कर रहे हैं। तो चलिए आप कोड को समझते हैं। सबसे पहले तो हम लोग liquidcrystal.h हैश इंक्लूड करते हैं, ये इंक्लूड कर दिए लाइब्रेरी जो कि इनबिल्ट होता है, इसको ऐड नहीं करना पड़ता है, तो इसको इंक्लूड कर देते हैं हम लोग, क्योंकि ये LCD को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद 2 मैक्रो का हम यूज़ करते हैं, ये 2 मैक्रो यूज़ करके हम लोग ट्रिगर पिन और इको पिन को डिफाइन करते हैं 18 और 19। हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कनेक्शंस के टाइम कि आर्डिनो के जो एनालॉग पिन्स होते हैं वो हम डिजिटल पिन्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि जैसे डिजिटल पिन्स हमारा कितने तक नंबर है, 13 तक, उसके बाद के जो पिन्स हैं उसको हम मतलब एनालॉग पिन्स जो हैं उसके बाद के नंबर्स में हम ले लेते हैं। तो A0 जो है, एनालॉग पिन नंबर 0 जो है मेरा, वो 14 हो जाता है, और एनालॉग पिन नंबर 1 जो है, एनालॉग 1 A1 15 हो गया, A2 16 हो गया, A3 17 हो गया, A4 18 हो गया, A5 19 हो गया। अब ये जब हम डिजिटल पिंस की तरह यूज़ करेंगे तो इनका नंबर 14 से स्टार्ट होकर 18 19 तक जाएगा, और जो फंक्शंस हम यूज़ करेंगे वो डिजिटल राइट और डिजिटल रीड होगा, ना ही कि एनालॉग राइट एनालॉग रीड। यहाँ पे डिफरेंस आएगा, डिजिटल राइट करके पिन नंबर 18 यूज़ करेंगे तो वो हमारा A4 जो है हमारा वो यूज़ होगा एज डिजिटल पिन। तो ये हमारा एक प्रॉपर्टी था, तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि पर्पजफुली ये किया गया था, ताकि आपको आर्डिनो के इस प्रॉपर्टी को भी आपको समझाया जा सके। उसके बाद हम लिक्विड क्रिस्टल क्लास का एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं LCD नाम का, ये कुछ और नाम भी हो सकता है, और इसमें जो पहला है वो है हमारा RS, उसको पिन नंबर 2 हो गया, फिर दूसरा हो गया 3 इनेबल, और फिर 4 डेटा पिन हमारे,
4, 5, 6, 7 वो दे दिया मैंने हमने एज ए पैरामीटर्स, ये कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए होता है। उसके बाद हम टाइम और डिस्टेंस, जैसा कि आप जानते हैं कि अल्ट्रासोनिक सेंसर जो है वो हमारा एक तरह से सिग्नल सिग्नल भेजता है, साउंड पल्सेस भेजता है, साउंड जो हमारा होता है उसको एज ए पल्स भेजता है, और जो पल्स है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद जब रिसीव होता है जब रिसीवर के द्वारा रिसीव होता है तो उसका टाइम हम कैलकुलेट करते हैं, और फिर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया गया है, डिस्टेंस इज इक्वल टू ट्रेवल टाइम बाय टू, क्योंकि साउंड एक बार जाके वापस आ चुका है तो जो डिस्टेंस है वो दो बार वो कवर कर चुका है, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड हम कर देते हैं, तो ये स्पीड डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, सॉरी यहाँ पे डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई था, तो ये हम ये फार्मूला यूज़ करके, तो हमारे पास दो वेरिएबल चाहिए, टाइम टाइम कैलकुलेट करने के लिए कितना टाइम लगा, और डिस्टेंस डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, तो जो इनिशियली हम जीरो ले ले रहे हैं और उसका डेटा टाइप फ्लोट है क्योंकि हमें लार्जर वैल्यू भी हो सकता है। फिर हम सेटअप फंक्शन में आता है, क्योंकि LCD यूज़ कर रहे हैं तो LCD यूज़ करने के लिए हमको LCD को सेट करना पड़ता है डिस्प्ले को, तो उसके लिए हम बेगिन फंक्शन का यूज़ करते हैं, ये क्लास के क्योंकि क्लास मेथड है तो इसको हम डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर रहे हैं, और जो पहला हमारा ये पैरामीटर है 16, ये हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स है, और दूसरा जो है वो नंबर ऑफ रोज है, मतलब 16 कॉलम्स और 2 रो। फिर पिन मोड हम लोग ये सेट कर देते हैं ट्रिगर का आउटपुट में, इको का इनपुट में। आई होप आपको पता होगा कि ये क्यों करते हैं, क्योंकि ट्रिगर सिग्नल भेजने के काम आता है और इको हम रिसीवर के एज ए रिसीविंग एंड पे यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि पहला एक तरह से ये जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि हम प्रिंट करते हैं अल्ट्रासोनिक, ये अल्ट्रासोनिक, और फिर कर्सर को सेट करते हैं 0.1 पे, मतलब नीचे वाले रो में जाते हैं, और जीरो कॉलम और फर्स्ट रो, तो नीचे वाले लाइन में चले गए और वहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं डिस्टेंस मीटर, तो एक तरह से इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ। फिर डिले दे रहे हैं 2 सेकंड का ताकि ये अच्छे से प्रिंट हो जाए, फिर LCD को फिर से क्लियर कर दे रहे हैं, और फिर LCD प्रिंट करके कुछ इंट्रोडक्टरी मैसेज प्रिंट कर दिया, और उसके बाद हम डिले फिर से दे रहे हैं 2000 मिलीसेकंड्स का ताकि अच्छे से प्रिंट हो जाए। फिर आता है हमारा लूप फंक्शन। लूप फंक्शन में क्या होता है, लूप फंक्शन में हमारा असली काम होता है। सेटअप फंक्शन में क्या होता है, सेटअप फंक्शन में हम लोग एक तरह से पहले माहौल बना रहे होते हैं कि हमारा जो ग्राउंड सेट कर रहे होते हैं कि जिस ग्राउंड पे हमें खेलना है उस पे ग्राउंड को सेट कर रहे होते हैं, और लूप फंक्शन में असली हमारा गेम चलता है। तो लूप फंक्शन को समझते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्लियर फंक्शन यूज़ करके LCD को डिस्प्ले को क्लियर कर दिए। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो पार्ट है ये मैंने आपको समझाया था कि ये डिस्टेंस मेजर करने का पार्ट है, तो ये मेजरमेंट का पार्ट है। इसमें पहले ट्रिगर को लो करते हैं ताकि इंश्योर कर दें कि ट्रिगर जो है वो टर्नड ऑफ है, और उसके बाद ट्रिगर को फिर से हाई करते हैं, फिर डिले इन माइक्रो सेकंड्स यूज़ कर रहे हैं 10, और डिजिटल राइट फिर ट्रिगर को लो कर रहे हैं ताकि वो जो पल्सेस हैं वो रीड कर सके, और एडिक्वेट टाइम हम उसको दे रहे हैं ताकि पल्सेस रीड होकर आ सके। फिर डिले दे रहे हैं माइक्रो सेकंड्स का, 2 माइक्रो सेकंड्स का, और फिर यहाँ पर पल्सिंग फंक्शन का यूज़ करके पल्सिंग फंक्शन, क्योंकि हम लोग पल्सेस सेंड कर रहे थे इको को हम हाई चेंज, मतलब इको के जो इको क्योंकि हमारा इनपुट में सेट है मोड, उसका इनपुट में सेट है, तो इको जो डिजिटल पिन है उसको हम हाई कर दे रहे हैं ताकि उसमें जो इनपुट है वो आ सके टाइम का। तो वो टाइम इनपुट आ गया, टाइम इनपुट आने के बाद हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिए, डिस्टेंस कैलकुलेट करके ये सारा हमारा मेजरमेंट पार्ट हो गया। अब फिर हम LCD को क्लियर करते हैं क्लियर फंक्शन का यूज़ करके, फिर प्रिंट करते हैं डिस्टेंस, ये मैसेज प्रिंट है एक तरह से, डिस्टेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी पैरेंथेसिस में दिया जाता है वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है। उसके बाद हम वेरिएबल डिस्टेंस वेरिएबल प्रिंट कर रहे हैं जो कि कैलकुलेट हुआ था यहाँ पे, तो डिस्टेंस वेरिएबल हम प्रिंट किए और सेंटीमीटर में प्रिंट किए। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये डिवाइडेड बाई 20,000 है, तो ये सेंटीमीटर में है। और उसके बाद जो है हम कर्सर को सेट करते हैं 0.1, मतलब 0 कॉलम और फर्स्ट रो में, मतलब नेक्स्ट लाइन में, और फिर से डिस्टेंस मैसेज प्रिंट कर रहे हैं ये, और फिर हम डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 100, सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू मीटर, तो वो डिस्टेंस प्रिंट कर दे रहे हैं डिवाइडेड बाय 100 मीटर में, ये मीटर में डिस्टेंस प्रिंट हो गया। और फिर हम प्रिंट फंक्शन करके m डाल दे रहे हैं उसके आगे, जो उसका ये होता है एक यूनिट होता है वो हम मीटर का m डाल दे रहे हैं, और फिर डिले दे रहे हैं 1000 मिलीसेकंड्स का ताकि सब कुछ अच्छे से प्रॉपरली प्रिंट हो जाए। तो ये था हमारा 29th प्रोजेक्ट, बहुत ही इजी।
एक तरह से देखा जाए तो अल्ट्रासोनिक सेंसर का हमने यूज़ 28 प्रोजेक्ट में, 29 प्रोजेक्ट में सीख लिया। अब एक और प्रोजेक्ट करेंगे हम लोग अल्ट्रासोनिक सेंसर का, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। और ये वाला जो पार्ट है, ये हमेशा आप एक तरह से बाय डिफॉल्ट ले लीजिए कि ये वाला पार्ट हमारा हमारा यूज़ होता है उसके लिए, कि डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए। तो ये था हमारा 29 प्रोजेक्ट। आई होप कि आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, और भी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट आएगा हर वीडियो में। मैं जैसा कहता हूँ कि हर आगे भी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे, तो स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।